सो हाय एवरीवन, सामने अपने प्रेजेंट है ऑल न्यू होंडा SP125। इस बाइक में जो है होंडा ने अभी 2023 में काफ़ी सारा जो है चेंजेस कर दिया है। ये जो आप लोग कलर देख रहे हैं मैट ग्रे कलर है, काफ़ी अच्छा जो है इस बाइक में आपको डिज़ाइन मिलता है। इस बाइक में आपको जो है आप OBD2 अपडेट जो है देखने को मिल जाता है। E20 का सपोर्ट दिया गया है, यहाँ आप लोग टैंक में देख सकते हैं E20 का स्टिकर, जिसको कि आप 20% एथेनॉल 80% जो है पेट्रोल से चला सकते हैं। इसका इंजन भी जो है BS6 फेज टू वाला इसमें आ चुका है। काफ़ी अच्छा जो है इस बाइक में चेंजेस हो चुका है। इसका जो रेयर टायर है इसको भी जो है कंपनी ने चौड़ा कर दिया है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं 100/80 सेक्शन का आपको अभी जो है इसमें टायर मिल रहा है, जो कि 18 इंच के अलॉय व्हील पे माउंट है। पहले जो है इसमें आपको 80/100 सेक्शन का टायर मिलता था। इसका जो साइलेंसर आप लोग देख रहे हैं इसको भी जो है चेंज कर दिया गया है। इसके ऊपर जो मफलर है इसको भी चेंज कर दिया गया है। काफ़ी अच्छा जो है इसमें लुक निकल के आ रहा है। इस वीडियो में जो है इस कलर का हम लोग एक शॉर्ट में वॉक अराउंड करने वाले हैं, क्या प्राइस है इस बाइक का, कितना आपको इसमें माइलेज मिलेगा, कितना इस बाइक का टॉप स्पीड है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तिवारी होंडा फतेहपुर में। तो अगर आप भी एक न्यू बाइक लेना चाहते हैं SP125, तो आप जो है शोरूम में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको SP125 का स्टॉक अवेलेबल मिल जाएगा। इस बाइक का जो है सबसे पहले आप लोगों को प्राइस बता देते हैं। प्राइस भी जो है इस बाइक का हल्का फुल्का इंक्रीज हुआ है, 1000-1200 जो है आप इसमें मान सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज हुआ है। 1,350,000 जो है इसका अभी रिसेंटली ऑन रोड प्राइस जा रहा है जामताड़ा झारखंड में, जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। अभी जो है इसका आप फ्रंट प्रोफाइल देख रहे हैं, तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको काफी अच्छा जो है इसमें LED लाइट का सेटअप दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं LED में हाई बीम मिल जाता है, लो बीम दिया गया है। काफ़ी अच्छा जो है इसका वाइजर का डिज़ाइन भी है मैट ग्रे कलर में। विंडशील्ड जो है आपको ब्लैक कलर में दिया गया है, होंडा का आपको यहाँ पर लोगो दिया गया है। दोनों तरफ आपको जो है बल्ब वाला इंडिकेटर, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। यहाँ आप लोग जो है इसका मडगार्ड का डिज़ाइन देख सकते हैं, ये भी आपको जो है मैट ग्रे कलर में मिलता है। काफ़ी अच्छा आपको डिज़ाइन में दिया गया है, फाइबर का मडगार्ड है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के ऊपर जो है आपको रिफ्लेक्टर भी दिया गया है बोथ साइड। फ्रंट टायर सेक्शन देख लेते हैं, इसमें जो है आपको 80/100 सेक्शन का टायर मिलता है, जो कि 18 इंच के अलॉय व्हील पे माउंट है। कंपनी इसमें आपको जो है अभी MRF का टायर प्रोवाइड कर रही है। इसका आप लोग जो है अलॉय का डिज़ाइन देख सकते हैं। स्प्लिट में जो है इसका डिज़ाइन है ब्लैक कलर में, काफ़ी अच्छा जो है लुक निकल के आ रहा है। इधर आप लोग देख सकते हैं फ्रंट में जो है इसमें आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। कंपनी इसमें जो है आपको CVS सिस्टम भी प्रोवाइड कर रही है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आपको मिल जाता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कंपनी फिटेड जो है इसमें आपको क्रैश गार्ड मिलता है। 11.2 लीटर का जो है इसमें आपको फ्यूल टैंक दिया गया है, और काफ़ी मस्कुलर डिज़ाइन में जो है इसका फ्यूल टैंक है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं काउल जो इसमें यूज किया गया है, ये जो है फाइबर का है, टैंक आपको मेटल का मिलता है। काउल के ऊपर जो है आपको होंडा का यहाँ पर 3D में स्टिकर, काफ़ी अच्छा आपको डिज़ाइन मिल जाता है। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं ब्लैक कलर में जो है आपको इंजन मिलता है, होंडा का ब्रांडिंग दिया गया है। 123.94 CC का जो है इसमें आपको काफ़ी रिफाइंड और पावरफुल जो है इंजन मिलता है। 5 स्पीड का गियरबॉक्स दिया गया है। इस बाइक में आप जो है आसानी से 60+ माइलेज निकाल सकते हैं, जो कि माइलेज आपके राइडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है, आप जो है किस हिसाब से जो है इस बाइक को चलाते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं साइड स्टैंड में जो है इंजन कट ऑफ सेंसर आपको मिल जाता है, जो कि अगर आपका स्टैंड लगा हुआ रहेगा तो बाइक जो है आगे नहीं बढ़ेगा, मेन स्टैंड आपको मिल जाता है। कवर्ड में चेन सिस्टम दिया गया है। यहाँ जो आप लोग साइड पैनल देख रहे हैं इसमें SP125 का काफ़ी अच्छा आपको स्टिकर दिया गया है। इसमें आपको जो है 3D वाला फील मिलता है डॉटेड डॉटेड में, काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है लुक। यहाँ आप लोग देख सकते हैं फुटरेस्ट दिया गया है, यहाँ जो है पिलियन के लिए फोल्डेबल फुटरेस्ट। रेयर में जो है आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है रेड कलर में, इसको जो है 5 स्टेप जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गार्ड दिया गया है, यहाँ पर आपको जो है लेडीज़ फुटरेस्ट भी मिल जाता है। सीट खोलने का सिस्टम आपको दिया गया है, यहाँ पर आप जो है की लगाकर इसके सीट को खोल सकते हैं। यहाँ आप लोग रेयर प्रोफाइल से इस बाइक का भी लुक देख रहे हैं। हैलोजन में जो है इसमें आपको टेल लैंप मिल जाता है। यहाँ पर बल्ब में आपको इंडिकेटर दिया गया है होंडा का ब्रांडिंग। यहाँ जो है नंबर प्लेट का लाइट, रिफ्लेक्टर। फ्लेक्सीबल में जो है इसमें आपको मडगार्ड मिलता है। रेयर टायर सेक्शन आप लोगों को दिखाई दिए हैं। रेयर में भी जो है इसमें आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, और अगर आप इसका जो है डिस्क ब्रेक वाला मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको जो है फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा। उस बाइक का प्राइस जो है आपको 2-3 हज़ार रुपया इससे महंगा लगेगा। इधर आप लोग देख सकते हैं इस बाइक में जो है आपको किक स्टार्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है।
125 सीसी सेगमेंट में आप अगर टीवीएस राइडर को देखते हैं तो उसमें जो है आपको किक का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन इस बाइक में आपको जो है होंडा किक दे रही है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ईएसपी टेक्नोलॉजी आपको जो है मिल जाता है, काफ़ी रिफाइंड इसमें इंजन है। तो अगर आप भी जो है एक न्यू बाइक लेना चाहते हैं 2023 में 125 सीसी सेगमेंट में, तो आप जो है इस बाइक को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ जो है आपको इसका मीटर नहीं दिखा है, तो मीटर आप लोग देख सकते हैं डिजिटल में जो है इसमें आपको मीटर कंसोल मिलता है, फ्यूल गेज दिया गया है, स्पीडोमीटर ओडोमीटर देख सकते हैं, गियर पोजीशन इंडिकेटर का पता चलता है, यहाँ पर जो है आप ट्रिप देख सकते हैं, रियल टाइम जो है माइलेज देख सकते हैं, काफी सारा आपको इसमें इंफॉर्मेशन पता चलता है। तो ये बाइक आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए फिर आप इस वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।